हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन रियल होम मेकिंग चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज है जन्माष्टमी और मैं आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाई देती हूँ। मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों ने जन्माष्टमी कैसे मनाई। लास्ट ईयर जन्माष्टमी पे मेरे पेरेंट्स मेरे पास थे ट्यूसॉन में और उसी की पिक मैंने आप लोगों के साथ कम्युनिटी टैब पे शेयर की थी। आज हम लोग हैं दिल्ली में, मम्मी ने गोविंद के लिए और मेरे भतीजे के लिए ड्रेस मंगवाई है, तो अभी हम दोनों को कृष्णा बनाएंगे और मम्मी ने बहुत सुंदर सा मंदिर सजाया है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। प्रसाद बनाएंगी अभी मम्मी और अभी मेरी भाभी कुछ शाम का स्नैक्स बना रही हैं, तो उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए जरा देखते हैं किचन में क्या क्या काम हो रहा है। तो चलो भाभी जान से पूछते हैं कि क्या बना रही हैं वो शाम के स्नैक्स में, बताओगे? ब्रेड पिज्ज़ा बना रही हूँ। तो ब्रेड पिज्ज़ा बनाने के लिए भाभी ने ये पेस्ट बनाया है जिसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर चॉप करके एक कप सूजी और एक कप मलाई मिलाई है। मलाई की जगह आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, बट पिज्ज़ा में जो आपको चीज़ का फ्लेवर आता है वो मलाई से ही मिलेगा। और उसके बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक और काली मिर्च ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया है और फिर ब्रेड पे एक तरफ इसको इस तरीके से स्प्रेड करके थोड़ा थोड़ा घी लगा के दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक सेक लो इसे, तो ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपके घर में कोई अचानक से आ जाए, गेस्ट आ जाए, तो आप ये बना के सर्व करें, बहुत ही यम्मी लगेगा। तो बस शाम का नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है और यहाँ पे मम्मी बना रही हैं भगवान जन्म के लिए प्रसाद। ये मखाने की खीर बन रही है, ये पंजीरी है जो सब ड्राई फ्रूट्स वगैरह देसी घी में भून के मम्मी ने बनाई है। हमारे यहाँ मेथी की ये पंजीरी बनती है, तो वही बनाई है मम्मी ने। और चरना व्रत बनाएगी मम्मी अभी। और ये मेरा लिटिल कृष्णा जिसका जेट लैग अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है, वो सोया जा रहा है पूरा पूरा दिन, तो उसे मैं उठाने की कोशिश कर रही हूँ। गोविंद देखो, हाय बोलो सबको। तो चलो अब मैं अपने घर के मंदिर की डेकोरेशन आप लोगों को दिखाती हूँ। ये कुछ बलून्स मम्मी ने लगाए हैं और ये देखिए, ये है हमारा घर का मंदिर। ये छोटे से लड्डू गोपाल बहुत ही सुंदर लग रहे थे देखने में, इस बार मैं भी अपने घर के लिए लड्डू गोपाल लेकर जाऊंगी यहाँ से। अभी डिनर टाइम है, गोविंद बाहर डिनर कर रहा है। आज मम्मी ने बहुत ही यम्मी पनीर पराठे बनाए हैं, मैं भी अभी जाके पनीर पराठे खाऊंगी। एक्चुअली अभी मैं शाम के बाद अब ब्लॉग कर रही हूँ, अराउंड 8:30 हुआ है, क्योंकि हम लोग बीच में ना गोविंद को ट्रेन दिखाने चले गए थे तो वहाँ पे सारा टाइम चला गया। और देखिए, आप मेरे को कहते थे ना मेरी स्किन बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, माइट भी वो वेदर का फ़र्क था, क्योंकि तो यहाँ आते ही मुझे एक्ने हो गया। तो एनीवेज अभी थोड़ा सा डिनर वगैरह करेंगे, उसके बाद मैं गोविंद को सजाऊंगी कृष्णा की तरह। मेरी भाभी ने तो जो भतीजा है उसको सजा दिया है, वो बहुत क्यूट लग रहा है, तो मैं दोनों को आपको एक साथ ही दिखाऊंगी। तो यहाँ पे पापा डिनर कर रहे हैं और मैंने सोचा था कि गोविंद अपनी मामी जी से डिनर कर लेगा, बट उसने नहीं किया, तो अभी मुझे उसे खिलाना है। और आजकल मम्मी खूब सारा ये वाइट बटर हमें रख रख के देती है पराठे रोटी पे, तो बहुत ही यम्मी लगते हैं। और दोनों बच्चे आप देख ही सकते हो, उनको बिठा के एक साथ खाना खिलाते हैं हम लोग, जिससे कि वो लोग एक दूसरे को देखते देखते कंपटीशन करते करते खाना खा लें। और हम लोगों के यहाँ इसी तरीके से ज़मीन में बैठ के खाना खाना बहुत पसंद किया जाता है। वैसे अक्सर हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, बट हम लोग मेरी मम्मी के यहाँ पे घर में हम लोग इस तरीके से समर्स में स्पेशली इस तरीके से साथ में मिल के ज़मीन में बैठ के खाना खाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस खाना वगैरह अभी निपटाया है और अब हम अपने अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं। छोटे वाले मुन्ना की एक और ड्रेस थी, तो भाभी ने सोचा ये वाली चेंज कर दूं, क्योंकि ये वाली ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और मैं भी गोविंद की ड्रेस उसको पहना रही हूँ, ये आज ही मम्मी नई लेकर आई हैं उसके लिए। और दोनों ही बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, दो थोड़ा सा तंग हो गए थे ड्रेस में बाद में, बट एक्साइटेड बहुत थे कृष्णा बनने के लिए। आप देखेंगे आगे क्लिप्स में कि गोविंद ने तो बैठ के इतने अच्छे से अपना मेकअप कराया था। Thank you.
और मम्मी तो इतने ध्यान से मज़े ले रही थी, देख रही थी कि दोनों बच्चे कितना एक्साइटेड हैं कृष्णा बनने के लिए। और छोटे छोटे बच्चे जब कृष्णा राधा बनते हैं तो बहुत ही क्यूट लगते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि भगवान का छोटा सा रूप है। और देखिए थोड़े थोड़ा मेकअप करके दोनों को ही हमने तैयार किया है, और तैयार होते होते मम्मी ने इन लोगों की वारफेर भी की, पैसे भी मिले इनको। बच्चे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहे थे इन कपड़ों में, तो गोविंद ने तो अपना मुकुट उठा के फेंक दिया था। तो बस यही है गोविंद का रूप, और अभी मैं नन्हे काना का भी रूप आपको दिखाती हूँ। बहुत मुश्किल हुई थी इन लोगों की फ़ोटोज़ क्लिक करने में, बट समहाउ हमने थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक करी हैं इन लोगों की। तो अभी हम लोग निकले हैं मंदिर जाने के लिए। ये नन्हा वाला काना मेरी गोदी में है और बड़ा वाला काना नीचे खड़ा है। अभी हम लोग थोड़ी सी मंदिर की डेकोरेशन देखने जा रहे हैं, और मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि हमारे एरिया के मंदिर किस तरीके से डेकोरेट होते हैं। तो चलिए। तो ये देखिए, ये हमारे घर के पास ही मंदिर है। इस गली में दो मंदिर हैं और इस गली का नाम ही मंदिर वाली गली है। ये पहला मंदिर है, इस मंदिर के मुख्य अध्यक्ष हैं मेरे पापा, तो आज सुबह से वो यहाँ पे डेकोरेशन और यहाँ के कार्यक्रम में काफ़ी व्यस्त थे। और यहाँ पे देखिए कितनी ब्यूटीफुल डेकोरेशन हुई थी भगवान जन्म के लिए। हम बचपन से ही इस मंदिर में आते रहे हैं। और ये है दूसरा मंदिर, यहाँ पे बहुत अच्छे भजन कीर्तन चल रहे थे और बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेशन थी इस मंदिर की भी। और बस मंदिर से आने के बाद ये दो लिटिल कृष्णा अपनी रासलीला हम लोगों को दिखा रहे थे। बहुत ही मज़ा आता है इन लोगों का प्यार और लड़ाई देखने में, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मेरा छोटा भाई दोनों ही बच्चों को खिला रहा है। कल उसकी ट्रेन है तो वो कल निकल जाएगा, तो वो एज मैक्सिमम एज पॉसिबल टाइम इन दोनों के साथ स्पेंड कर रहा है अपना। तो बस आरती वगैरह हम लोगों ने कर ली है और अब भगवान जन्म हम लोग कर रहे हैं, तो बलून्स फूट रहे हैं अभी। और उसके बाद जो मम्मी ने प्रसाद बनाया है उसका भोग लगाएंगी और फिर वो सब प्रसाद हम लोग भी खाएंगे। तो ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल ने पंजीरी खाई है, उसके बाद चरना व्रत खाएंगे, खीर खाएंगे। ये लड्डू गोपाल मुझे बहुत ही सुंदर लगे, मैंने भी सोचा है कि अपने घर के लिए मैं यहाँ से छोटे से लड्डू गोपाल लेकर जाऊँगी अपने मंदिर में, वहाँ पे जाके यूएस में अपने घर में लगाऊँगी इन्हें। और आज मम्मी का सुबह से ही फास्ट था, जन्माष्टमी का फास्ट भी बहुत टफ फास्ट होता है, इसमें पूरा दिन कुछ नहीं खाया जाता है, रात में 12 बजे सीधा भगवान जन्म के बाद खाया जाता है। तो बस मम्मी अभी अपना फास्ट खोल रही हैं और साथ ही साथ देवकी नंदन जी की कथा भी देख रही हैं, मेरी मम्मी बहुत बड़ी भक्त हैं उनकी। तो ये जन्माष्टमी व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, होप करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और आपको बहुत सारे अमेजिंग इंडिया के व्लॉग्स देखने मिलेंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर से मिलेंगे एक और अमेजिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप ढेर सारा अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।